बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू अदब की एक नई वीडियो में खुशामदीद। बड़े मौजी को मारा अगरचे मारा नफ्स अमारा, बड़े मौजी को मारा अगरचे मारा नफ्स अमारा, नहंग व अजदहा व शेर नर मारा तो क्या मारा। ये मशहूर शेर किसका है? जवाब होगा शेख इब्राहिम ज़ौक का। अलामा इकबाल की उर्दू शायरी के पहले मजमूई का नाम क्या है जो 1924 में शाया हुआ? जवाब होगा बांगे दरा। अलामा इकबाल का वो कौन सा मजमूआ है जो कि उनकी उर्दू और फारसी शायरी पर मुश्तमिल है? जवाब होगा अरमगाने हिजाज। अलामा इकबाल की मशहूर नज़में पहाड़ और गलहरी, माँ का ख्वाब और बच्ची की दुआ उनकी किस किताब में शामिल है? जवाब होगा बांगे दरा। अलामा इकबाल का सन पैदाइश क्या है? जवाब होगा 9 नवंबर 1877। अलामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा सियालकोट में। अलामा इकबाल की इब्तदाई तालीम व तरबियत किसने की? जवाब होगा सैयद मीर हसन। अलामा इकबाल ने 1893 में किस स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया? जवाब होगा स्काच मिशन हाई स्कूल सियालकोट। मगरब के तनकीदी नज़रिए का मुसन्निफ का क्या नाम है? जवाब होगा जिलानी कामरान। उसलुबियात मीर के मुसन्निफ का क्या नाम है? जवाब होगा डॉक्टर गोपीचंद नारंग। नकद मीर के मुसन्निफ का क्या नाम है? जवाब होगा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। 12 पत्थर बाहर करना के क्या मानी है? जवाब होगा शहर से बाहर निकलना। बगली जंगना के क्या मानी है? जवाब होगा शर्मिंदा होना या लाजवाब होना। बाल की काल खींचना के क्या मानी है? जवाब होगा बहुत चान बीन करना। बल निकालना के क्या मानी है? जवाब होगा सीधा करना। बलाई लेना के क्या मानी है? जवाब होगा सदक़े कुर्बान जाना। शोले इश्क उर्दू की अहम मसनवी किस शायर की है? जवाब होगा मीर तकी मीर का। जोश इश्क उर्दू की अहम मसनवी किस शायर की है? जवाब होगा मीर तकी मीर का। बांडा पोटना के क्या मानी है? जवाब होगा राज फाश होना। बीगी बिल्ली बनना के क्या मानी है? जवाब होगा हेली बहाने करना। दिली का दबिस्तान शायरी के मुसन्निफ का क्या नाम है? जवाब होगा डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। आज का उर्दू अदब के मुसन्निफ का क्या नाम है? जवाब होगा डॉक्टर अबुल्लेस सदीकी। हरूपी इस्तेसना, हरूपी इस्तेसना वो हरूप है जो एक लफ्ज़ या जुमले को दूसरे लफ्ज़ या जुमले से अलहदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हरूप सिवा, मा सिवा, अगर, मगर, बहर, इलावा वगैरह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निखाबान।